नमस्कार जय माता दी मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह माँ का पहला स्वरूप माँ पुत्री की आराधना कैसे करनी चाहिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए जब पूजा आप कर रहे हैं और तो और खास करके माँ को क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं इसके अलावा कौन सा ऐसा ग्रह है जो माँ पुत्री की पूजा से शांत होता है ये सारी चीज़ें आपको अभी बताएंगे दुर्गा के नौ रूपों में से प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री चंद्रमा चंद्रमा शांत तो होते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा से कहा जाता है कि जिस कुंडली में चंद्रमा दोष होता है और वो बहुत परेशान रहते हैं नहीं हो पाता किसी भी तरीके से इलाज तो कहा जाता है कि नवरात्रों में माँ शैलपुत्री की अगर आप आराधना बहुत ही विधि विधान से करते हैं तो यकीन मानिए माँ शैलपुत्री प्रसन्न होकर के जो वरदान देती है उससे आपकी कुंडली का चंद्रमा शांत होता है और चंद्रमा से जुड़े हुए जितने रोग हैं मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम हो रही है आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपकी हेल्थ बार बार फ्लक्चुएशन हो रही है और ख़ास करके मासिक धर्म कहा जाता है कि जिन बच्चियों का मासिक धर्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है जब भी मां शैलपुत्री की आराधना आप करते हैं चंद्रमा के प्रभाव जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो खत्म होते हैं आपकी कुंडली में इन्हें हेमावती भी कहा जाता है पार्वती के नाम से भी जाना जाता है कहा जाता है कि ये माँ वृष यानी वृष पर सवार होती है वृषारूढ़ा भी इन्हें कहा जाता है अस्त्र शस्त्र की अगर इनके बात करते हैं तो दाहिने हाथ में इनके त्रिशूल होता है और बाएं हाथ में इनके कमल का फूल होता है मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सुखद और मुस्कान है यानी जब इनकी पूजा करते हैं तो सुख तो पहले ही आ गया आपके पास और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है आपको एक मंत्र बताएंगे उस मंत्र का आपने जाप जरूर करना है। अगर कोई खास मनोकामनाएं और ख़ास करके सुख चाहिए मुस्कान चाहिए कष्टों का निवारण चाहिए चंद्रमा शांत होना चाहिए तो हम एक मंत्र बताएंगे बिल्कुल वीडियो के आखिर में वो मंत्र का जाप आपने ज़रूर करना है और ख़ास करके रात्रि में ये आपने ज़रूर करना है इस मंत्र के जाप से कहा जाता है कि आप सारे कष्टों से बाहर निकल सकते जो जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो सकती है हिमालय के गर्भ से सभी प्रकार की जीवनी और संजीवनी बूटियाँ हैं कहा जाता है इनके सेवन से आपको निरोगी काया मिलती है माँ शैलपुत्री के पूजा से मन कर्म ध्यान इन चीजों में वृद्धि होती है व्यक्ति के जीवन में एक स्थिरता आती है क्योंकि जो मूवमेंट है फ्लक्चुएशन ऑफ लाइफ है वो कम होती है आपकी इनके पूजन से धन धान्य भर जाते हैं आपके इनकी पूजा से जो चक्रा हमारे बॉडी के अंदर जो सेवन चक्रास होते हैं उनमें से कहा जाता है मूलाधार चक्र आपका जागृत तो हो जाता है जब भी आप माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं पीले वस्त्र पहन करके ही इनकी पूजा करनी चाहिए आपको बहुत उत्तम रिजल्ट मिलते हैं और रिश्तों में मधुरता आती है जब भी आप मां शैलपुत्री की आराधना करते हैं ज्ञान अगर आपको चाहिए आपको चाहिए कि आपका फोकस नहीं हो पा रहा किसी चीज में तो कहा जाता है कि शुद्ध घी से और गाय के घी से अगर आप व्यंजन मां को भोग के रूप में खास करके मिठाई आप भोग के रूप में माँ को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए माँ तो साक्षात आशीर्वाद दे देती है आपको और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे जीवन में जो बहुत सारी विधियाँ नहीं कर पाते हैं जिनको लगता है कि हम तो इतनी बारीकी से विधियाँ कर ही नहीं पा रहे और ख़ास करके हमें विदेशों से बहुत कॉल्स आते हैं कि हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है हम बहुत सारी चीज़ें डीपली नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इस समय नवरात्रि के दौरान पूरा अनुष्ठान कराते हैं और आप ही के नाम से अनुष्ठान होगा पूरे नौ दिन आपके नाम से पूजा की जाएगी और उस पूजा के दौरान कुछ एक ऐसी सामग्री तैयार की जाती है कहा जाता है जिसे आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में धन धान्य तो भरा ही रहता है आप कष्टों से दूर रहते हैं आप तकलीफ़ों से दूर रहते हैं हमेशा खुशियों जो हैं वो आपके द्वार पे आपके इर्द गिर्द ही रहती हैं संकट से दूर रहते हैं कोई परेशानी आपको छू भी नहीं पाती कहा जाता है कि शक्ति यहाँ पे है तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर हमारे विदेश में जितने भी भाई बहन हैं जितने भी हमारे जातक हैं जो भी हमें फॉलो करते हैं अगर आप लोग अपनी पूजा करवाना चाहते हैं तो इससे उत्तम समय आपको फिर नहीं मिलेगा आप चाहें तो हमसे संपर्क करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और पूरे नौ दिन जो पूजा की जाएगी आपके नाम से आपको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ जो सामग्री उसमें तैयार की जाएगी वो आप तक पहुंचाएंगे हम ताकि वो आप अपने पास रख सकें और अपनी खुद की रक्षा आप उस समग्री के द्वारा कर सकें अगर आप चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें अब आती है बात कि आपको कौन सा मंत्र है और कैसे करना है नवरात्रि की बात होती है तो नवरात्रि का पहला नवरात्रि का पहली रात्रि माँ शैलपुत्री की रात्रि आपने इस दिन कैसे आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है और क्या विधि करनी है एक लाल रंग का आसन ले लेना है और उसके चारों कोनों के ऊपर आपने पीली हल्दी गांठ जो होती है वो रख लेनी है और साथ में एक लोटा जल का भर के रख लेना है स्फटिक की माला से आपने इस मंत्र का जाप करना है तीन माला लगातार आपने ये जाप करना है और ये जाप करना है रात को ग्यारह बजकर के पंद्रह मिनट पे शुरू हो जाना चाहिए यह जाप आपका या देवी सर्वभूतेशु माँ शैल पुत्री रूपेण संस्थिता नमस्त 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 नमो नमा। इस मंत्र का आपने जाप करना है तीन माला जाप करना है और उसके बाद आपने हाथ में जल लेकर के जमीन पर आपने उस जल को डालना है और उसके बाद ही आपने आसन छोड़ना है चारों घाठे हल्दी की आपने उठा लेनी है इसे लाल कपड़े में बांध करके आपने पूजा स्थान पर ही रख देनी है एक एनर्जी आपने इकट्ठी कर ली है आप इस एनर्जी का आनंद लीजिए पॉजिटिव रहिए खुश रहिए और अगर आप अनुष्ठान कराना चाहते हैं अगर आप अपनी नवरात्र की पूजा करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सम आप बिल्कुल फॉलो करें सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर करें लाइक करें ताकि लोगों का भी हित हो आचार्य जीतू सिंह के नाम से आपने ये बिल्कुल आपने फॉलो करना है मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और तो और टिकट पर हर दिन मैं आपको छोटी छोटी रेमिडीज ज़रूर देती हूँ ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार